दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर्स, जिन्हें हर वो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार जरूर करना चाहता है जो एडवेंचर्स के लिए जीता है। आज के ये एडवेंचर्स ऐसे ही खास हैं, जिन्हें करने के लिए निडरता, साहस, बहुत सारी हिम्मत के साथ साथ अपने आप पर कभी ना टूटने वाला भरोसा होना जरूरी है। इसके बिना आप इन एडवेंचर्स का लुत्फ कभी नहीं उठा सकते। नंबर वन, केव डाइविंग। दोस्तों आपने स्क्यूबा डाइविंग के बारे में तो सुना होगा, जिसमें लोग पानी के अंदर के नज़ारे को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है केव डाइविंग, जिसमें पानी के अंदर बहुत गहराई में जाकर गुफा और डूब चुके जहाजों को एक्सप्लोर किया जाता है। वैसे तो पानी में इतनी गहराई में रोशनी कम ही पहुँच पाती है, लेकिन पानी के अंदर गुफाओं में तो रिफ्लेक्शन की रोशनी भी नहीं पहुँचती। ऐसे में जब आप रहस्यमय चीज़ों को खोजने के लिए पानी के अंदर मौजूद संकरी गुफाओं के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पर कई खतरनाक जीवों से आपका सामना हो सकता है, जो आप पर हमला भी कर सकते हैं। साथ ही पानी के इतनी अंदर अंधेरे में यदि आपका कोई उपकरण खराब हो जाता है या फिर आप रास्ता भटक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे ही फंस सकते हैं और दम घुटने से आपकी मौत भी हो सकती है। यह एक्टिविटी बहुत ही मजबूत दिल वाले लोगों के लिए होती है, जो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी अपने माइंड को शांत और स्थिर रख सकते हैं। नंबर टू, बेस जंपिंग। बेस जंपिंग एक बेहद ही साहसिक भरा एडवेंचर खेल है, जिसे करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यह कुछ हद तक स्काई डाइविंग की तरह है, लेकिन इसमें पैराशूट की मदद से प्लेन से कूदने के बजाय रस्सी की मदद से किसी पहाड़ की चोटी या इमारत से कूदते हैं। इसमें रस्सी की मदद से आपके पैरों को बांध दिया जाता है और हजारों फीट ऊपर से आपको कूदना होता है। इतनी ऊंचाई से जब आप नीचे कूदते हैं तो आपकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और रस्सी की लंबाई खत्म होते ही आप एकदम हवा में झूलने लगते हैं, जिससे आपके पूरे शरीर को एक जोरदार झटका लगता है। इतनी ऊंचाई पर हवा भी काफ़ी तेज और घुमावदार होती है, जिसके कारण हादसे होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी यह खेल एक रोमांचक भरा खेल है और हर कोई इसे करना चाहता है। नंबर थ्री, हाईलाइनिंग। हाईलाइनिंग दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों की सूची में नंबर वन पर आता है। इसके लिए प्रतिभागी को न केवल शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। इस स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए आप में निडरता और साहस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस स्पोर्ट्स में आप एक हाई लाइन पर चलते हैं, जो अक्सर चट्टानी संरचनाओं या दो इमारतों के बीच काफ़ी ऊंचाई पर होती है। अक्सर इतनी ऊंचाई पर हवा के झोंके आते हैं, जो हाईलाइनर को डगमगा देते हैं। इसमें हाईलाइनर का हुनर और हिम्मत ही उसे टिके रहने में मदद करता है, लेकिन अगर कोई इस रस्सी से नीचे गिर जाता है तो उसका वापस आ पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर फोर, बिग वेव सर्फिंग। अधिकांश लोगों के लिए सर्फ बोर्ड पर सीधे खड़े हो पाना भी एक चुनौती भरा काम होता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी लहरों को सर्फ करने का हुनर दिखाते हैं। सामान्यतः सर्फर्स को इसके योग्य बनने के लिए कई साल की मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी कभी कभी समुद्र की लहरों के सामने सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना भी पड़ जाता है। लेकिन फिर भी एडवेंचर्स के दीवाने गहरे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। नंबर फाइव, बूल रन। आपने स्पेन के राष्ट्रीय खेल बूल फाइट के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें सांडों को लड़ाया जाता है, कुछ उसी तरह का है बूल रन गेम, जिसमें सांडों को इंसानों के पीछे छोड़ दिया जाता है और लोग उन सांडों से बचकर भागते हैं। कई लोग अपने हुनर से सांडों को चकमा देते हैं, लेकिन जब भी यह हुनर फेल होता है तो वह भारी भरकम और ताकतवर सांड उनका क्या कर सकता है, यह बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए यह एक मज़ेदार खेल है और लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको इन एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में से कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है, जिसे आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।